हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसके विषय में चर्चा करेंगे। हमें उठने के बाद गर्म पानी जिसमें शहद और नींबू मिला के हम पी सकते हैं, पीना चाहिए, इससे हमारे शरीर का शोधन होता है। उसके बाद में हमें भीगे हुए चने, स्प्राउट्स, भीगे हुए बादाम, काजू, ताकतवर चीज़ें जितनी भी हैं वो सब खानी चाहिए ताकि हमारे शरीर की जो रात भर की एनर्जी वेस्ट हुई हुई है वो अपने लेवल में आ जाए। और उसके बाद में जो भी दिन भर हमें खाना है उसमें फल और सब्जियों का समावेश ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए जो कि हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट का काम करती हैं। हमें अपने आहार में क्या खाना चाहिए इसके लिए जो सबसे ज़रूरी है वो फल आहार। फल बहुत हमारे शरीर के लिए ज़रूरी हैं कि सुबह से लेके और दोपहर तक यदि हम फलाहार पे रहते हैं तो हमारे शरीर को ताकत भी मिलती है और शरीर अच्छे से अपने कार्य करने में सफल रहता है। और दोपहर में यदि हम सलाद जिसमें कि खीरा और टमाटर का समावेश करना बहुत ज़रूरी है, ये सलाद खाना बहुत ज़रूरी है, सलाद ज़रूर खाना चाहिए हमें। और भोजन सलाद करने के बाद ही खाने के बाद ही भोजन जितनी ज़रूरत पड़े उतनी खानी चाहिए। और दूध का बहुत ज़्यादा प्रयोग हमारे शरीर के लिए उपयोगी है, दूध बहुत ज़रूरी है। दूध हमारे शरीरों के सारे शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स बनते हैं उन सबको न्यूट्रलाइज करता है, उनको ख़त्म करता है। दूध जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसको दूध ही पिलाया जाता है जिससे कि उसको जीवनदान मिलता है, क्योंकि हम देखते हैं कि जानवरों में भी चाहे वो शेर है यदि वो चाहे तो अपने बच्चों को खून पिला सकता है, परंतु वो भी दूध पिलाता है ताकि जो है बच्चे के अंदर जो टॉक्सिन जो जहर 9 महीने या 1 साल पेट में रहने के बाद बनता है वो ख़त्म हो जाए, वो ठीक हो जाए, वो न्यूट्रलाइज हो जाए। उसको सिर्फ दूध ही हमारा है जो नष्ट करने में कामयाब है। हालांकि लोग ये कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ें खाने के साथ दही, कोई कहता है खाना चाहिए, कोई कहता पनीर खाना चाहिए, पर मैं समझता हूँ कि दही और पनीर हमारे शरीर को नुकसान करने वाले हैं और बीमारियों को पैदा करने वाले हैं, ये मेरा अपना तजुर्बा है। और शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि ये दोनों चीज़ें जो हैं हमारे दूध के ख़राब होने के बाद ही बनती हैं, तो इनका हमें नहीं खाना, इनको नहीं खाना चाहिए। और अपने जीवन में हमें जो पैक्ड फूड हैं, बेकरी प्रोडक्ट्स हैं और कोल्ड ड्रिंक्स हैं या ऐसी चीज़ें जिनके अंदर कोई केमिकल मिक्स कर रखा है वो चीज़ें कम से कम खानी चाहिए।